मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना संकट के दौरान खाकी के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कभी यहां वर्दीधारी पुलिस मास्क के नाम पर पिता की पिटाई मासूम बेटे के सामने करती नजर आती है, तो कभी यहां पुलिस जवान पलायन करने वाले मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करता नजर आता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस अन्य स्थानों की पुलिस से थोड़ी जुदा है। ताजा खबर के मुताबिक इंदौर पुलिस एक बार फिर चर्चाओं में। दरअसल इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में स्थित स्कीम नंबर 134 में रहने वाले निजी कंपनी के इंजीनियर की मौत कोरोना के कारण हो गई। इंजीनियर का नाम प्रांजु मोहन सामने आया है, जो मूल रूप से असम के देग गांव जोरहट का रहने वाला था। हुआ यूं कि इंदौर में अकेले रहने वाले प्रांजु को हाल ही में कोरोना महामारी ने चपेट में ले लिया था, जिसके बाद कंपनी के कर्मचारी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन बेड नहीं मिला और रविवार को प्रांजु ने इंदौर में अपने घर पर दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रांजु के फेफड़ों में 75% तक संक्रमण फैल चुका था और तमाम प्रयासों के बावजूद आखिरकार मूलतः असम में रहने वाले प्रांजु मोहन को नहीं बचाया जा सका, जिसके बाद बात आई मृतक के अंतिम संस्कार की। तो सवाल ये उठा कि प्रांजु की पत्नी समेत पूरा परिवार असम में है, ऐसे में अंतिम संस्कार कौन करेगा। लिहाजा इस मामले की जानकारी खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा को लगी तो उन्होंने निगम की टीम के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने असम में रहने वाली प्रांजु की पत्नी को वीडियो कॉल कर शव दिखाया और वीडियो कॉल के जरिए ही पूरी अंत्येष्टि को भी दिखाया। इस दौरान कंपनी के कुछ कर्मचारी मौजूद थे, जो ये बता रहे थे कि जो हुआ बहुत दुखद है, लेकिन अंतिम समय में लाइव तस्वीरों के जरिए पुलिस ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। बता दें कि प्रांजु जब इंदौर आए थे तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो दोबारा असम नहीं जा पाएंगे। बता दें कि पुलिस की टीम और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार में TI दिनेश वर्मा ने महती भूमिका अदा की है। हालांकि मुक्तिधाम से लाइव अंत्येष्टि दिखाने वाली पुलिस भी उसी क्षण गमगीन हो चली थी। वास्तव में ये कोरोना के वो अलग अलग रंग हैं जो इंसान और इंसानियत के नातों को करीब तो ला रहे हैं, लेकिन बड़ा दर्द और दुख देकर। कोशिशों के बावजूद बेड नहीं मिल पाया, 4:15 पे उसकी मृत्यु हो गई। और सारी सूचना देने के बाद, उनके परिवार वालों को सभी को सूचना देने के बाद, अब अंतिम संस्कार के लिए हम ले जा रहे हैं।